नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइड आई फैक्ट्स में। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस कौन कौन से हैं। आपने भी क्या कभी इनमें से किसी स्टेशन को विजिट किया है और क्या आपके साथ भी कुछ अजीब हुआ था, हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसकी स्टोरी हमें सबसे रियल और वाकई चौंकाने वाली लगेगी, उसका नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आता है द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन दिल्ली। लोग मानते हैं कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के आसपास एक भूतनी का साया है। लोगों ने इसे सफेद साड़ी में देखे जाने का दावा किया है। कभी कभी तो यह भूतनी कारों का पीछा भी करती है, उनके दरवाजे खटखटाती है और बात न सुनने पर या गाड़ी न रोकने पर थप्पड़ तक मार देती है। देर रात सफर करने वाले राहगीरों के लिए यह आफत ही तो है। क्या आप भी इस मेट्रो स्टेशन के आसपास से गुजरे हैं, हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 9, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन गुड़गांव। गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहां एक डरावनी आत्मा भटकती है। लोगों का कहना है कि इस स्टेशन पर हुई एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। उसी महिला की आत्मा यहाँ आज भी भटकती रहती है। लेकिन लोगों को डराने का इसका तरीका दूसरी बुरी आत्माओं से अलग है। कहते हैं कि यह मेट्रो ट्रेन के शीशे से अपनी आंखों और जीभ को निकाल कर लोगों को डराती है। नंबर 8 पर है उत्तर प्रदेश का नैनी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के नैनी रेलवे स्टेशन को भूतहा माना जाता है। इस स्टेशन के महज 1 किलोमीटर दूर ही नैनी सेंट्रल जेल है। ऐसा कहा जाता है कि नैनी जेल के बेहद करीब इस स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं आज भी मौजूद हैं, जिनकी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जेल में हो गई थी। हालांकि जिन लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है वे इसे झूठ बताते हैं, लेकिन यहां पर भूतों का अनुभव करने वाले लोगों की माने तो यह 100% सच है। उन्होंने यहां पर आत्माओं की उपस्थिति महसूस की है। नंबर 7 पर है बरोग स्टेशन शिमला। दोस्तों, शिमला का बरोग रेलवे स्टेशन बरोग सुरंग के पास ही है। इस सुरंग का निर्माण करवाया था कर्नल बरोग ने। यहाँ के लोग ऐसा बताते हैं कि एक इंजीनियर को यहाँ उसके कर्मचारियों के सामने अपमानित किया गया था। निर्दोष होने के बावजूद उस पर ऐसी बदसलूकी होने के बाद उसने यहीं पर आत्महत्या कर ली थी। जब वह सुरंग का निरीक्षण करने जा रहा था तब उसने खुद को गोली मार ली। बाद में उसकी लाश को उसी सुरंग के नज़दीक दफना दिया गया था। कहा जाता है कि सुरंग के इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी आज भी है और अब भी लोग रात में वहाँ जाने से डरते हैं। नंबर 6 पर है बेगनकुडोर रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल। भूतहा स्टेशन के रूप में कुविख्यात बेगनकुडोर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ भूतों का डर इतना ज्यादा है कि इस स्टेशन को 1967 से बंद रखा गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस स्टेशन पर जाने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। इसके बंद होने के पीछे की कहानी यह है कि एक बार एक व्यक्ति ने यहाँ पर भूत देखने का दावा किया और उसने ये बात पुलिस को भी बताई, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिक्कत तब हुई जब अगले ही दिन स्टेशन मास्टर और उसकी पूरी फैमिली की अननोन तरीके से डेथ हो गई। तब से लोगों में इसका डर बैठ गया और लोग कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल का वास है जो स्टेशन में उस लड़के को नजर आई थी। तब से लेकर आज तक ये स्टेशन बंद है और यहाँ लोग जाने से डरते हैं। नंबर 5 पर है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता। कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भी भूतहा स्टेशन में से एक है। कहते हैं कि यहाँ के ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या करने वालों की आत्मा यहाँ विचरती है। लोग मानते हैं कि अगर आपको इस मेट्रो लाइन की किसी आखिरी ट्रेन में सफर करना पड़ जाए तो आपको डरावनी और अनजानी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। हालांकि अभी तक कभी इस स्टेशन पर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, मगर फिर भी लोगों के मन में इस स्टेशन को लेकर एक अजीब सा डर बना हुआ है। नंबर 4 पर है चित्तौर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। चित्तौर रेलवे स्टेशन न्याय की तलाश में भटकने वाली आत्मा सीआरपीएफ अधिकारी हरि सिंह के लिए कुविख्यात है। इस अधिकारी की हत्या 31 अक्टूबर को केरल एक्सप्रेस में ड्यूटी के वक्त कर दी गई थी। बताया जाता है कि हरि सिंह को पिटाई के बाद गंभीर हालत में चित्तौर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया था। 10 दिन तक अस्पताल में जूझने के बाद उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी यहां पर भटकती है। लोगों को उनके होने का एहसास कई बार हुआ है।
नंबर 3 पर आता है लुधियाना रेलवे स्टेशन। दोस्तों आपने इस स्टेशन का नाम जरूर सुना होगा। लुधियाना रेलवे स्टेशन की अपनी अनोखी कहानी है। आरक्षण केंद्र के एक कोने में छोटा सा कमरा है जिसमें कभी कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली CRS के अधिकारी सुभाष नौकरी करते थे। उनको अपनी नौकरी से बहुत लगाव था। एक दिन इसी छोटे से कमरे में सुभाष की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब लोगों का मानना है कि इस कमरे के आसपास से गुजरने पर सुभाष की आत्मा पीठ पर चिकोटी काटती है। लोग कहते हैं कि सुभाष को अपनी नौकरी से काफी प्रेम था, इसलिए उनकी आत्मा नहीं चाहती कि उनकी कुर्सी पर कोई और बैठे। यही वजह है कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा यहाँ रोज आ जाती है। तब से लेकर आज तक इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। नंबर 2 पर है मुंबई का बहुत ही फेमस डोंबिवली रेलवे स्टेशन। मुंबई के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्टेशनों में से एक डोंबिवली रेलवे स्टेशन के बारे में भी प्रसिद्ध है कि यहाँ आत्मा का साया है। मुंबई में घूमने की तो बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन इस ट्रेन स्टेशन को प्रसिद्धि इसीलिए मिली है क्योंकि ये मुंबई का सबसे व्यस्त स्टेशन है। दिन में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रात में यहाँ एक महिला अपनी ट्रेन का इंतजार करती देखी गई है। यहाँ के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए रात में जा रहा था और वहाँ उसे एक महिला दिखी जो रो रही थी। उस आदमी ने महिला के पास जाकर पूछा कि वो क्यों रो रही है, तो उसने जवाब दिया कि वो अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ना चाहती है लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। उस वक्त तो आदमी लेट हो रहा था, इसलिए उसने महिला को उसकी अगली ट्रेन का समय बताकर उसे इंतजार करने को बोलकर वहां से चला गया। पर दूसरे दिन उसे फिर उसी जगह वह महिला बैठी दिखी। आज वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका दोस्त भी था, पर उसका दोस्त उस महिला को नहीं देख पा रहा था। तब उस आदमी को यकीन हुआ कि ये कोई आम महिला नहीं बल्कि एक भूत है। बाद में कुछ पूछताछ करने पर उस आदमी को पता चला कि कई लोगों ने एक महिला को रात के वक्त पटरी के बीच में देखने का दावा किया है, तो कुछ लोगों ने प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए उसे देखा है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो स्टेशन के आसपास के पेड़ों पर लटकी नजर आती है। नंबर 1 पर आता है भोपाल का रेलवे स्टेशन। रेल से यात्रा करने वाले लोगों को कई तरह के अनुभव होते हैं। भोपाल का एक ऐसा ही रेलवे स्पॉट है जो विज्ञान के इस युग में भी रहस्यमय बना हुआ है। कई बार इन जगहों पर काम करते हुए रेल कर्मचारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। रेलवे के इन कर्मचारियों द्वारा शिकायत के बाद रेलवे ने कई जगह दैवीय स्थान और मजार भी बनाए। इन जगहों पर थोड़ी देर के लिए ट्रेन रोक दी जाती है। ये चर्चा आम है कि इन स्थानों पर आत्माएं भटकती हैं। ऐसी जगह काम करने में रेलवे कर्मचारी के साथ स्थानीय लोग भी डरते हैं। हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़े एक ऐसे ही स्टेशन के बारे में बता रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर है और मंदिर के पास से गुजरने वाली सभी ट्रेनें मंदिर को 2 मिनट सलाम करती हैं। कहा जाता है कि इसके बाद ही ट्रेन में सवार यात्री सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुँच पाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यदि यहाँ पर ट्रेन रुककर सलामी न दे तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या खाई में गिर जाती है। ऐसी भी कहानियां हैं कि सलामी देना भूलने पर कई बार तो ट्रेनें यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ सकी। इसीलिए यहाँ भारतीय रेल ने खुद एक अघोषित नियम बना लिया कि यहाँ रेल ड्राइवर कुछ देर के लिए ट्रेन को रोक देगा और सलामी के रूप में हॉर्न बजाकर ही आगे बढ़ेगा। रेल से यात्रा करने वाले लोगों का इससे खट्टा मीठा अनुभव जुड़ा होता है। भारतीय रेल और उससे जुड़ी कई रहस्यमय बातें लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाती है। हमने आपको बताए 10 ऐसे ही रहस्यमय स्टेशन जो लोगों के द्वारा भूतहे कहे जाते हैं। भारत में ऐसे कई और रेलवे स्पॉट हैं जो विज्ञान के इस युग में भी रहस्यमय बने हुए हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप इसमें से कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर जा चुके हैं ये हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे कुछ और रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।